जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश निधि हूँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश निधि हूँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पूर पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमत निवार करियर काउंसलिंग में हम लोग क्या सीखेंगे, क्या होगा, क्या क्या चीजें मिलेंगी, ये तमाम संशय बना हुआ था। और देखिए, हमने ये कहा कि जब किसी कार्य की शुरुआत कर दीजिए तो ईश्वर खुद रास्ता दिखाने लगता है। वो आपने सौंपा है उस कार्य को, आप कहाँ तक लेना ले जाना चाहते हैं हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और आप रास्ता दिखाते चलिए। और वही अद्भुत हो रहा है कि हम लोग प्लान बनाने को सोचे, फिर वो प्लान नहीं बन पाया, फिर हम लोगों ने कहा स्टार्ट कीजिए, प्लान बनता रहेगा, प्लान बनता भी जा रहा है, काम होता भी जा रहा है, आप लोगों की स्किलिंग सुधर भी रही है। कितना अमेजिंग चीज है। सतमार्ग पे, सतमार्ग मतलब एक अच्छे मार्ग पे। तो हम लोग अभी ईश्वर से क्यों प्रार्थना कर सकते हैं, अभी हम दो घंटा बैठ के सत्संग नहीं कर सकते हैं, बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे पहले अपना करियर पथ दिखाओ, सत्संग तो हम आपका करेंगे ही। आपने ही कहा है कि पहले कर्म कीजिए फिर हमारा ध्यान कीजिए, तो आप जो है हम किस कर्म की तरफ निकले हैं उस कर्म को दिखाइए, हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए, हम आपका ध्यान करेंगे। आप पर ये मत रखना कि पहले पेड़ पे जब लटक गए तो साहेब भगवान हमको उतारो, हम अखंड का पाठ करेंगे, तो कथा पे आ गए, जब नीचे उतरे तो पीछे पोसते हुए चल दे कि भगवान देखा है। ये मत रखना, मतलब अगर ईश्वर पे विश्वास है, अभी तो सभी लोग ईश्वर से नहीं जान सकते हैं उनकी महत्ता, पर धीरे धीरे जानोगे। एक एक दिन लाइफ के क्रिटिकल होते जा रहे हैं, एक दिन बीता मतलब एक चैलेंजेस तुम्हारे सामने बढ़ गए, घट नहीं गई, बढ़ गई। ये याद रखो, जिंदगी का हर एक दिन जो पास गया वो गया, वो और कैसे बीता तुमने देखा भी होगा, बचपन में थे नो टेंशन, इसके बाद धीरे धीरे पढ़ने की बारी आई, स्कूल की टेंशन, फिर और बारी आई तो होमवर्क क्लास होम क्लास वर्क का टेंशन, और आई तो काम भी करो पढ़ो भी हो होमवर्क क्लास वर्क कुल, और बड़े हो गए अब धीरे धीरे रास्ता दिखाओ तो पैसा कमा ले, ये घट रही कि बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, फैक्ट है नहीं है, लेकिन खूब तेजी सवाल बताओ, यस नो में है, चीजें पूछा जाए, एनर्जेटिक फील, तो ये जो चीजें अब तक सामना किए घटी या बढ़ी, बढ़ रही है ना, आने वाले और दिनों में बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, स्टेटस बढ़िया बनाना है। तो ईश्वर से हम लोग शुरुआत में ही प्रार्थना करके बैठे हैं कि ये चीज कहाँ तक पहुँचे, ये हम न जान हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, तुमको भी नहीं पता कि तुमको कहाँ तक पहुँचाएंगे, सीरियसली बता रहे, अपनों को भी नहीं पता होता कि पढ़ने का मिलने क्या वाला है, बस करते रहो चलते रहो, आस्था ईश्वर पे रखो, सब कुछ बेटर होगा, आने वाला दिन तुम ही लोग कहोगे कि वाह आपने जो चीज कहा था वास्तव में बड़ी अमेजिंग। चलते हैं टॉपिक की तरफ, और टॉपिक में सबसे पहले आज दो मोटिवेशन की बातें, देन हम पहुंचेंगे अपने उसी पड़ाव पे जहां अभी आपको श्रीवास्तव जी लेकर गए थे। सबसे पहला
पॉइंट नंबर हमारा पहला आता है क्रिएटिव माइंड। देखिए रचनात्मक दिमाग का मतलब ये हो गया कि आपका जो दिमाग हो, जो आपकी थिंक हो, वो हमेशा किसी चीज को ढूंढने वाली हो, ढूंढने वाली हो, ये नहीं पर्याप्त है ना। अगर अगर ये आपने सोच लिया तो फिर कहा गया था कि उतनी पैर फैलाइए जितनी चादर हो, इसको कहे हम चादर को ही बड़ा कर सकते हैं। तो वो पहले के जमाने में था, कबीर दास थे, उतने फैलाइए जितनी चादर हो, पर अब वो जमाना नहीं है। अब जमाना ये है कि चादर को फैलाइए, वरना हम उसी में सिमट के रह जाएंगे। तो चादर को फैलाने का मतलब क्रिएटिव माइंड, रचनात्मक दिमाग। अब हम तुमको अगर केवल यहाँ यहाँ की बात करें, फिर बाहर की तुम छोड़ो। सपोज है कि तुम जहां भी हो ये देखो क्या चीज बिगड़ रहा है या क्या चीज ऐसा है जो हम चाहें तो सुधार सकते हैं। फोकस अबाउट दैट, सेंटर पे पहुंचे, तुम्हें लगा, हम एक एग्जांपल यहां से दे रहे हैं ताकि तुम समझ सको, तुम्हें लगा कि सिस्टम बेकार में चल रहा है, कोई बैठा नहीं, तुरंत खटाक से क्या करो, सिस्टम बंद। तुमने देखा एलईडी वहाँ जो है सर पढ़ा के चले गए हैं और अभी शायद क्लास और भी नहीं है, तो मुझे बंद कर कहना चाहिए, लो एक बार पूछ लूँ या बंद कर लूँ, पूछ लेना बेटा तब क्या ये सिस्टम चल रहा है ऐसे, मैं बंद कर सकता हूँ? यस यू कैन डू। इससे क्या हो रहा है, सीख रहे हो। अभी आगे ये कहाँ काम आएगा, कंपनी में, कहाँ काम आएगा, कंपनी में, हाँ, और कहाँ काम आएगा, बिजनेस में। यदि तुम नौकरी करते हो तो कंपनी में, और यदि तुम सेल्फ डिपेंड हो तो बिजनेस में। क्रिएटिव माइंड एक मालिक, क्रिएटिव माइंड का होता है तब उसके सारे एम्प्लॉई काम करते हैं, तभी कंपनी उसकी चलती है। यदि मालिक ने सारी चीजों को मैन पावर पे छोड़ दिया, मतलब एम्प्लॉय पे छोड़ दिया, चल तेरा जो मर्जी वो कर, किसी भी तरीके चलाता रहे, कंपनी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पहले उसको मालिक को क्रिएटिव माइंड का होना चाहिए, उसको अपने आप को हमेशा ऐसी चीजों के बारे में सोचना रहना चाहिए कि कंपनी में बेटर क्या हो, कंपनी के एम्प्लॉय को हम कैसे रहे, हमेशा चीजें क्रिएटिव माइंड की। अगर तुम्हारा मूड बने, हम कहते हैं ना इम्प्रेशन, अपनी छाप बनाओ, तुम जहाँ से निकलो तुम्हारी आवश्यकता बन जाए, ये नहीं आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, ये नहीं। इसका क्या मतलब, तब तो तुम क्या होगे, उनके लिए बोझ होगे, साला गया छुट्टी में, बोझ बन गए। हमको बोझ नहीं बनना, अगर वो जाए तो आंखों से आंसू आ जाए कि यार क्या बंदा था, जब तक था मुझे किसी चीज की कमी नहीं होती थी, कंपनी के लिए कितना डेडिकेटेड था, हमारे बिजनेस के लिए कितना सोचता था, चला जाएगा क्या होगा, तुम ना जाया काहे जा रहा, क्या समस्या, पैसे कम मिल रहे हैं, चल अच्छा पैसे दे, ये होना चाहिए। दिस कंपनी इज नॉट योर्स, दिस कंपनी इज माइन, ये मेरी कंपनी, ये सोच के तुम्हें वहां काम करना चाहिए। तो ये कहां से आएगा, अभी वी आर स्टूडेंट, अभी हम स्टूडेंट हैं, अभी से ही हमें ये थिंक करना पड़ेगा, जिन चीजों को तुम बिखरा हुआ देखो समेटना सीखो, ये जो अब तक हम लोग झेलते आए हैं, देखते आए हैं, समाज को फेस करते आए हैं, वो बता रहे हैं। हम कोई काव्य किताब किसी की कहानी को नहीं बता रहे हैं, ये उन चीजों को बता रहे हैं। दिमाग को हमेशा चलाए रखो, हमें ऐसे ही नहीं चले जाना है, जब हम जाएं या तुम हमें छोड़ो तो एक बार तुम्हें हमारे लिए एक जरूर ऐसी हमदर्दी पैदा हो जानी चाहिए कि फला सर को छोड़ के हम जा रहे हैं, कितनी चीजें हमने सीखा एक साल के बीच में, ऐसा मिले कहीं ना मिले, ये तुम्हें रियलाइज होना चाहिए। और हम ऐसे तुम्हें पढ़ा दे रहे फीस लो नहीं गए, चलो निकल जाओ यहां से, नहीं सिस्टम पे तुमको नहीं बैठने मिलेगा, ये चलो ठीक है, स्ट्रिक्ट किया जाता है, नहीं लाओगे फीस स्ट्रिक्ट किया जाता है, पर उसके साथ में क्या है, एक अपनत्व भी होना चाहिए,
और जब अपनत्व रहेगा ना तो तुम हमें जिंदगी भर याद रखोगे और हम तुम्हें याद रखेंगे। कभी भी हम तुमको मिलेंगे तो तुम भी रिस्पेक्ट से हमें देखोगे, ठीक। और अगर हम तुम्हारे साथ व्यवहार दुर्व्यवहार करेंगे तो उस नजरिए से देखोगे, ठीक। हमको देखोगे पर अवॉइड कर दोगे, इग्नोर। अरे वही सर्जी तो है, सिस्टम को बैठने नहीं दे रहे, इसीलिए हमको नाम काट दिए हैं, ये हमसे जलन करते। अब तुम जिंदगी भर के लिए निगेटिव हमारे लिए बोगे नहीं बोगे। कोई अगर एडमिशन कराने भी आया मत जाना, पढ़ाते नहीं सही से, कितनी निगेटिविटी फैली। लेकिन अगर हम तुम्हारे साथ सही करेंगे तो क्या तुम निगेटिव फैलाओगे? इम्पॉसिबल। जो सुगंध हम तुमको देंगे वही सुगंध फैलाओ। और यही मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी जहां रहो अपनी एक पहचान होनी चाहिए कि जब वहां से जाओ तो अगले को इतना आत्मीय लगाव हो जाए कि एक बार तुमको जरूर पलट के देखे और कहे क्या बैस था, क्या बच्चे थे। इसमें मजा है। और ये आएगा कब? जब हर चीजों को एक अपनी तरीके से समझ के करो, ठीक। तो ये है रचनात्मक माइंड। कभी भी कोई ऐसी चीजें देखो, एक मदद की भावना से काम करो। ये नहीं बस इसको हटा दिया छोड़ दो, उसका है इसका है, नहीं अपना होता तो क्या होता, ठीक। कंपनी में जब काम करोगे वहां भी क्रिएटिव माइंड, ये कंपनी मेरी है, जब मेरी समझ के काम करोगे तब तुमको तमाम फायदे मिलेंगे वहां। पॉइंट नंबर टू, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता इसको बोलते हैं, नई नई चीजों की सीखने की क्षमता बनते हैं।